Hey guys, my name is Harsh. And my name is Purva. और आज हम लोग किस पे रिएक्ट करने वाले हैं? अल वैकुंठा पूरा मल्लू। हाँ, जैसे हमने हरी हरा वीरू मल्लू वैसे ये पूर मल्लू है। So, हम उसके एक सॉन्ग पे बेसिकली रिएक्ट करने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग इज बुट्टा बोमा। एंड इसमें अल्लू अर्जुन है और पूजा हेगड़े है और रमान मलिक है। और देखते हैं कि गाना कैसा होगा। ऑफकोर्स अब सबने गाना सुन रखा है रील्स में, बट वीडियो हमने देखी नहीं है। वीडियो हमने वो उसकी मेन वो देखी है जो स्टेप है, पूरा गाना नहीं सुना। अर्जुन साउथ में के सॉन्ग में कहाँ, मतलब अरमान मलिक कहाँ होंगे, लेकिन वो भी रिसेंटली हमने वो पवन कल्याण का बनाया था सॉन्ग, उसमें भी थे और इसमें भी, मीन्स वो मतलब सभी तरह के गाने गा लेते। और वो मेमो अगामू में भी थे जो कि कोक स्टूडियो है। सो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। किचन ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో, ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము, ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్మో, ఇది చెప్పకుండా వచ్చేతుమ్ము ప్రేమ నా పలేవు నన్ను నమ్ము ఎటగా स्लाइड हो रहे हैं ये चुपके कैसा कैप कर लिया। अरे देवड़ा काफी स्टाइलिश लुक लग रहा है ना। लड़ाटा दग रही ननु चेहरा दीस्तीवे बुट्टा बम्मा ननु सुट्टू कुंटीवे जिंदगी के अटपमई जंटा कट्टू कुंटीवे बुट्टा बम्मा बुट्टा बम्मा। अब सब रुक गए कुंटीवे जिंदगी के वो दोनों को हाईलाइट कर रहे ना। हाँ। अभी भी देखो उनको हाईलाइट पीछे ब्लर कर दिया है, एक वो गॉशियन ब्लर डाला है। जगह कितनी प्यारी लग रही जो सेट बना हुआ है। लोना डंडन का जरी गिंदे नम्मो ना दे मंडो सिमो वापस स्लाइड हो रहे हैं। ये रियल में स्लाइड हो रहे हैं, बेसिकली देख के लग ही रहा है। साउथ स्टेप सारी यूनिक ही रहती है, यूनिक एकदम। ये सारी स्टेप्स इनकी यूनिक ही रहती है। राजू ला कलम का तू रदम वो गुरन ले बु। अब इससे मुझे उसकी याद आ गई, उस गाने की वो नटू नटू, ठीक है उन्होंने वो निकाला ना। चंपलो चिटके से चक्रवर्ती नीचे सारे साउथ में हर गाने में ऐसा लगता है कि जहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो तो वो अपना वॉलपेपर बन सकता है। ये देखो ये सब वॉल, ये उसका थंबनेल था। ये गिटार कैसे बजा रहे ऐसा लग रहा है यूरोप की कोई विलेज में शूटिंग हो रही है, बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है। फ्लारी फ्लारी एकदम कंटिन्यूस शॉट कितनी देर तक रहता है, क्योंकि तो पीछे सब लोग वो जिगलिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्रभु देवा को डांस करते हुए कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे ही करते हैं। प्रभु ऐसा लग रहा था कि मैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक डॉल हाउस होता है ना पिंक पिंक कलर का, मुझे लग रहा था कि डॉल हाउस बड़ा हो गया और उसमें मतलब कैरेक्टर्स नाच रहे। नहीं तो फिर ऐसा लग रहा था कि यूरोप का कोई गांव है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर बना दिया था, बिल्कुल फ्लारी फ्लारी। हाँ, क्या बोल सकते हैं, फेरीटेल चल रहा है, फेरीटेल ब्लॉसम ऐसा लग रहा था। वो बाकी स्टेप्स तो सबकी, अल्लू अर्जुन की सबको पता ही है ये कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा यूनिक स्टेप्स रहती है उनकी। और हर सीन ऐसा लग रहा था कि वॉलपेपर बना सकते हैं, मतलब वो उसको आई थिंक क्रिएटिव डायरेक्शन बोलते हैं। वो साउथ का बहुत अच्छा लगता है मुझे क्रिएटिव डायरेक्शन, जो क्रिएटिव डायरेक्टर उसके लिए अलग से होता है। और पूजा की ड्रेस भी ऐसी थी बिल्कुल एक डॉल जैसी,
फ्रॉक पहना रही थी तो वन पीस था जो भी था बहुत ही अच्छा था। और जो बैकग्राउंड डांसर्स थे उनकी भी कॉस्ट्यूम बहुत अच्छी थी। बाकी यही कह सकते हैं इस गाने में कि मतलब डांस तो बहुत ही अच्छा था, गाने का मीनिंग समझ नहीं आया, बाकी हमने काफ़ी उसको एंजॉय किया गाने को। क्या बुट्टा बोमा क्या होता है कोई प्लीज़ बता सकता है तो बता दो क्या होता है गाइस? हाँ बता देना। वैसे हरी हरा वीरमल्लू क्या होता है वैसे वो भी बता देना कि इस पिक्चर का सॉन्ग का जो इस पिक्चर कौन सी मूवी है ये? अल्लाह वलखुंटा पूरा मल्लू। तो उसका ये मल्लू आखिरी में क्यों लगा ये बता। हाँ मल्लू क्या होता है। और पूजा हेगड़े की हम देख रहे काफ़ी मूवीज चल रही है आजकल बॉलीवुड में भी। हमने रिसेंटली उनका एक सॉन्ग बनाया था कौन सा नहीं हो लगदा दिल और यंटम्मा, बहुत सारे सॉन्ग है। अगर आपको उनके गाने का रिएक्शन देखना है तो प्लीज़ चेक, हमने उनका भी बनाया पूजा हेगड़े का। एंड अल्लू अर्जुन के तो हम वैसे ही बड़े फ़ैन हैं, हमने उनका मेमू अगामू बनाया है। जो अरमान मलिक का, हाँ इसमें भी अरमान मलिक और वो साथ में ही था। बट कितना डिफिकल्ट रहता है ना, क्योंकि अरमान मलिक को हमने इतने साल से हम उनके गाने सुन रहे हिंदी में गाते हैं और वो एक्चुअली उनकी बेस लैंग्वेज तेलुगु है भी नहीं, पर फिर भी उस लैंग्वेज में उस फील के साथ वो गाना बड़ा ही मतलब क्रिएटिव होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तेलुगु में भी फ्लुएंसी रहती दोनों लैंग्वेज में तो वो गा लेते हैं, लेकिन जैसे कि जो अपनी एक्ट्रेस है श्रुति हसन, हाँ वो लोग जो इंटरनेट पे सब लोग बोलते हैं कि उनको 8 लैंग्वेजेस आती है, लेकिन बेसिकली वो नहीं बोला था इंटरनेट, उनको 4 लैंग्वेज आती है, हिंदी इंग्लिश और तेलुगु तमिल। हाँ बाकी वो एक्टिंग अलग है, लेकिन उसी मतलब आता नहीं आपको, फिर भी आप उसी फ्लुएंसी उसी फील के साथ गा रहे हो। जैसे गाना बड़ी चीज़ है, गाना बड़ी चीज़ है और एक्टिंग। जैसे ये आमिर गौतम का एक इंटरव्यू था, उसमें उसने बोला था कि जो मलयालम पिक्चर है उसमें उनको बोला था कि आप ABC 1 2 3 4 ऐसे करके लिपसिंग कर देना, बाद में डबिंग हो जाएगी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं खुद से अपने क्या बोलते डायलॉग्स बोलना चाहती हूँ, तो वो याद करते थे। तो वैसे ही अरमान मलिक ने भी एक बहुत अच्छा फ्लुएंट तरीके से सॉन्ग गाया है, उनको बहुत अच्छा लगा, और मेमू अगामू तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा ही लगा। एंड श्रेया घोषाल को भी हमने देखा है, वो भी दूसरी लैंग्वेज में गा लेते वो भी इजीली। AR रहमान तो है ही सही, तो काफ़ी टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं। एंड आज की वीडियो में इतना ही बोल सकते हैं, ये वीडियो तो पूरा बिल्कुल पसंद आ गया हमको बहुत ही, एकदम ऐसा लगता है कि इस गाने को ना बस देखो, क्योंकि ऐसा लगता है मैं अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। एक डॉल हाउस जो मैंने बोला था, ऐसा लगता है कि उस फेरी टेल की दुनिया में पहुंच गए। गाने को मतलब समझ नहीं आता, बाकी देख के बहुत अच्छा फील हुआ। तो गाइस आप बताना आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन, और लाइक करना सब्सक्राइब तो करना ही सही, और अपना ध्यान भी रखें। तब तक के लिए बाय बाय।